हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिस इज एन फेमस कॉलेज, फेमस यूनिवर्सिटी इन दिस इंडिया। इन दिस कोर्स ऑफ द BA LLB एंड बहुत ही कम यूनिवर्सिटी जो ये कोर्स प्रोवाइड करती है यार। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वारी जा रही है इस कोर्स के रिगार्डिंग कि भैया BA LLB में एडमिशन लेना है। प्राइवेट कॉलेजेज इसका चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं, फीस बहुत ज़्यादा होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उतना एफर्ट्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, COCET का टेस्ट देते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं और इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। तो जान लेते हैं इसका कट ऑफ क्या क्या सीन रह सकता है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा हाई जो कट ऑफ जाता है वो एटलीस्ट BA LLB का ही जाएगा कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई, क्योंकि इस डिमांड में जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी इंडिया में कॉलेजेज हैं बहुत कम कॉलेजेज हैं लोग के वैसे तो, और जैसे है भी तो गवर्नमेंट भी बहुत कम है और प्राइवेट भी कम है, लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा है लोग के जो कोर्सेज होते हैं उसकी। तो जस्ट लाइक जो बच्चे लो कर रहे हैं, दिस इज एन इमेजिनेशन फॉर इन फ्यूचर इन जस्ट लाइक ए गॉड। ओके, क्योंकि जो भी जज वगैरह बनते हैं यार, जो भगवान से कम नहीं होते वैसे तो, मतलब हर किसी यूनिवर्सिटी भी ये प्रोवाइड नहीं कर सकती, चाहे वो गवर्नमेंट हो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट हो, हर कोई ये कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कुछ ही स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि BA LLB कोर्स, लो कोर्सेज होता है, एक 3 साल का कोर्सेज होता है, एक 5 साल का कोर्सेज होता है। तो इसका कट ऑफ हाई रह सकता है, और जिन बच्चों के कम मार्क्स है और एडमिशन चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, उनको जज बनना ही है, फ्यूचर में गॉड बनना ही है, तो वो जस्ट नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अपन बात करते हैं इसके कट ऑफ की, तो ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाएगा वो इसी का जाएगा, लॉ का ही जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग है या फिर जो भी कोर्सेस है वो आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी कॉलेजेज के अंदर। ठीक है, BSc, BA, BEd ये तो ऑलमोस्ट सारी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस करवा रही है, लेकिन जो अदर जो डायरेक्शन के अंदर जो कोर्सेस है, जैसे कुछ स्पेसिफिक इंजीनियरिंग्स है, जैसे प्लास्टिक है, एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल है, ऐसे कोर्सेस वैसे अवेलेबल तो नहीं है इन यूनिवर्सिटियों के अंदर, लेकिन आई थिंक मुझे सबसे अच्छा कोर्स यही लगता है इस यूनिवर्सिटी में BA LLB। और इस कोर्स की बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड भी है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा बच्चे क्वारीज भी कर रहे हैं। जान लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो यार एडमिशन प्रोसेस जो है 2 तारीख तक ओपन है, एटलीस्ट रात को 11:55 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यार एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट है इसका। अगर अपन बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो एटलीस्ट 17 तारीख को रिलीज की जाएगी, और जो भी इसका फीस है, जो इसका डिपोजिशन है, बच्चों को 2 दिन का टाइम दिया गया है, यानी कि 18 से 20 तारीख तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। सेकंड, अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो 22 तारीख को लिस्ट जारी की जाएगी, और 2 दिन आप 23 से लेकर 25 तारीख अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर फिर से अगर सीट्स वैकेंट रहती है, ऐसा होता नहीं है कि सीट वैकेंट रहे, लेकिन अगर बाई चांस 1-2 सीट वैकेंट रहती है तो फिर से 26 को लिस्ट जारी की जाएगी, और 27 से लेकर 29 तक 2 दिन तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। और टेंटेटिव एडमिशन जो क्लोज है वो 29 को हो जाएगा, और जो फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स है उसको 1 तारीख तक रिलीज कर दी जाएगी कि ये स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है। आई रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर एडमिशन फीस। यार वहाँ पे कोई नहीं पूछता कि तुम मतलब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की क्या पोजीशन है, डॉक्यूमेंट्स बने नहीं है, पेंडिंग में है, या फिर फीस नहीं है, पारिवारिक स्थिति खराब है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं देखता, डायरेक्टली एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, चाहे वो जोसा IIT हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे DU हो, जामिया हो। तो यार इन सब का थोड़ा सा ये ध्यान रखें, जो भी बच्चे हैं अपनी फीस वगैरह प्रिपेयर रखें, जिनके अच्छे मार्क्स है और एडमिशन हो जाता है। वैसे तो टाइम तो बहुत कम है, 2 दिन के अंदर तो एटलीस्ट 60 से 65 हज़ार रुपये जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जस्ट अगर आपको एडमिशन मिल सकता है, मिलता है, तो आप जस्ट प्रिपेयर रखें, अपना जो भी है डॉक्यूमेंट्स है, फीस है, उसका सारा इंजाम करके रखें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, और आई थिंक दिस इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये गया शहर के अंदर है। वैसे
कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है जैसे अगर अपन बात करते हैं गुजरात की या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि जस्ट लॉ के जो कोर्सेज हैं और जो भी ये स्पेसिफिक जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है हर किसी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छा कैंपसेस है इसका, एल्यूमिना बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट कैसा होता है, कितना होता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।